दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों साउथ की मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इस वक्त सोशल मीडिया पर अपने बोल्ड एंड ग्लैमरस फोटोज और वीडियोस के साथ साथ अपने बॉलीवुड डेब्यू के लिए भी इंडस्ट्री में काफ़ी मशहूर है। आपको बता दूं कि रश्मिका मंदाना जहां साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपने बोल्ड ग्लैमरस अदाओं के साथ साथ अपनी एक्टिंग का जलवा बिखर चुकी है, तो वहीं अब रश्मिका मंदाना बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपना दमदार डेब्यू करने वाली है। और आज की इस वीडियो में हम सब रश्मिका मंदाना के ऐसे कुछ मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं जिससे उनके दोस्त और रूमर बॉयफ्रेंड विजय देवरकुंडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आखिर तक जरूर देख लेना, और वीडियो को देखने के बाद आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप और कौन कौन से साउथ और बॉलीवुड मूवीज का इंतजार कर रहे हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए ला सके उन सारे फिल्मों का अपडेट्स। दोस्तों आपको बता दूं कि एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की कुछ मूवीज है जो कि उनके खास दोस्त और रूमर बॉयफ्रेंड विजय देवरकुंडा को पसंद नहीं है। चलिए बात करते हैं कौन सी मूवीज को विजय देवरकुंडा पसंद नहीं करते हैं। आपको बता दूं कि इस लिस्ट में सबसे पहले रश्मिका मंदाना की मूवी भीष्मा का नाम शामिल है। यह मूवी साल 2020 में रिलीज हुआ था, जिसमें रश्मिका मंदाना एक्टर नितिन के साथ नजर आई थी। विजय देवरकुंडा को रश्मिका मंदाना की ये मूवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके पीछे की वजह है इसमें रोमांटिक सीन्स है, जिसमें नितिन और रश्मिका मंदाना को काफी ज्यादा क्लोज देखा गया है, और इसे देखकर विजय काफी नाराज हो चुके थे, इसीलिए उन्हें भीष्मा मूवी पसंद नहीं है। और आज की इस वीडियो में हम सब इसी को लेकर बात करेंगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आखिर तक जरूर देख लेना। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स सबसे जल्दी और सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं लाइक का बटन प्रेस करके। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इस लिस्ट के नंबर 2 पर नाम आते हैं अंजनी पुत्र मूवी। आपको बता दूं कि रश्मिका मंदाना की मूवी अंजनी पुत्र में रश्मिका मंदाना का काफी दमदार किरदार था। इस मूवी में उनके साथ साउथ की फेमस एक्टर लेट पुनीत राजकुमार नजर आए थे। अगर बात करें कि आखिर विजय को यह मूवी क्यों पसंद नहीं है, तो आपको बता दूं कि रश्मिका मंदाना को इस मूवी में यूं तो बहुत ही कैरेक्टर में देखा गया था, लेकिन यह मूवी काफी ज्यादा इमोशनल भी था, जिसके वजह से रश्मिका मंदाना की यह मूवी को देखना एक्टर विजय को पसंद नहीं है। दोस्तों इस लिस्ट की नंबर 3 पर नाम आते हैं सरीलेरु निके वेरु मूवी। दोस्तों आपको बता दूं कि ये मूवी रिलीज हुआ था साल 2020 में, और विजय देवरकुंडा ना तो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं और ना ही इसके बारे में बात करना पसंद करते हैं। दरअसल इस मूवी में उन्हें रश्मिका मंदाना की एक्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, इसी वजह से वो इस मूवी को देखना पसंद नहीं करते हैं। इस लिस्ट के नंबर 4 पर नाम आते हैं पुष्पा मूवी। दोस्तों हाल ही में रिलीज हुआ पुष्पा मूवी को लेकर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने काफी सुर्खियां बटोरे हैं। ये मूवी इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुआ था। आपको बता दूं कि विजय देवरकुंडा फिर भी इस मूवी को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इस मूवी में कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल सीन्स दिखाया गया था जिसमें एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन के बीच काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था।
रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन के बीच कई सारे इंटीमेट सीन्स दिखाया गया था। तो दोस्तों, आपको रश्मिका मंदाना की इस मूवीज के बारे में क्या कहना है और विजय देवराकोंडा की इन मूवीज को पसंद नहीं करने का रीजन क्या आपको सही लगता है या नहीं, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, किसी भी नए और पुराने हॉलीवुड बॉलीवुड और साउथ मूवीज को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो करें, आपको वहां पर मिलेगी नए और पुराने हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज। तो दोस्तों, आप लोग अगर बंगाली समझते हो तो हमारे बंगाली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वहां पर मिलेगी बंगाली रैंडम वीडियोस। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए बंगाली रैंडम वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी एक दूसरी बड़ी अपडेट्स में, तब तक के लिए आप रखिए अपना और अपने परिवारों का ख्याल। तो चलता हूँ दोस्तों, आज के लिए अलविदा।